स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटीटी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे फाइबर टू होम के बारे में। तो कैसे आपको जियो फाइबर एक्चुअली दिया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि हम लोग को फाइबर टू होम का ज़रूरत क्यों पड़ा, जबकि फाइबर हमारे पूरे कम्युनिकेशन का, पूरे पृथ्वी पे जो भी कम्युनिकेशन होता है सब फाइबर पे ही चल रहा है, अंडर सी फाइबर केबल पे ही चल रहा है। तो हमें फाइबर घर तक लाने का क्या ज़रूरत पड़ गया। अब बात ये समझिए कि हमारा जो पुराना नेटवर्क है, यानी इस तरह का जो टेलीफोन नेटवर्क है, ये बहुत आदम जमाने का है, ये 1900 से पहले से चल रहा है। तो इसका आर्किटेक्चर को काफ़ी बार अपग्रेड किया गया टेक्नोलॉजी डाल डाल के, इसी फोन लाइन का इस्तेमाल करके, यानी समझिए दो तार आपके घर तक आता था उसी का इस्तेमाल करके ADSL लाया गया। पहले तो डायल अप मॉडम आया, फिर ADSL आया। तो इसको हम लोग पुश कर चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी हम नहीं निकालते थे, मतलब समझ लीजिए कि इससे बेटर आपको चाहिए। फिर ये तो ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने जुगाड़ कर लिया कि मैं फ़ोन स्टेशन बना देता हूँ, एक्सचेंज बना देता हूँ, उससे सबको कनेक्शन दे देता हूँ, वो सब बल्ले बल्ले। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि ट्रांसमिशन का रेंज जो है बहुत लिमिटेड है। तो वो रेंज का प्रॉब्लम ये होता है कि बड़े बड़े शहर में तो फ़ोन सर्विस आपको मिल जाएगा, उस पर आपको ब्रॉडबैंड भी मिल जाएगा, लेकिन छोटे दूर दराज के गाँव में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सचेंज नहीं है। तो रेंज जो है कुछ किलोमीटर का ही होता है, तो रेंज के चलते ज़्यादा दूर नहीं भेज पाते हैं। फिर आता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप देख के ही आपको समझ आता है कि ये इतना सारा फजीयत है। तो और मतलब अगर आप टेलीफोन को एकदम सिंपल करें समझना चाहते हैं, समझिए उसको लेन की तरह समझिए। दो लेन का रोड है, एक में आवाज़ आता है, एक में आवाज़ जाता है। ये लेन जाता है एक आपके पोल पे जो एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में एक हाईवे है, उसमें खूब सारे लेन ऐड होते हैं। फिर वो हाईवे सुपर हाईवे में जाता है, जो आपके मतलब बड़ा बड़ा सा बक्सा देखते होंगे, जो मतलब लगभग इंसान के हाइट का रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रहता है। फिर वहाँ से उससे भी बड़ा मोटा तार में हस्ट, जिसमें 600-700 तार होते हैं, वो जाता है टेलीफोन एक्सचेंज तक। टेलीफोन एक्सचेंज में तिगड़म सर लगाया जाता है, उसके बाद उसे मतलब जैसे भेजना है, पहले तो इसी का इस्तेमाल करके भेजा जाता था, बाद में मतलब अर्ली 1980s में इसका फाइबर में कन्वर्ट करके भेजने लगे, तब ISD कॉल पॉसिबल हो गया सस्ते में। तो वो सब करने के बाद आपका आता था। तो बहुत फजीयत होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये बात समझिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो आपको पता है कोई भी तार में जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले जाई जाती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर बगल में कोई ट्रांसफार्मर चालू कर दिया, आपका मतलब लैंडलाइन का आवाज़ ख़राब हो जाएगा, कहीं बिजली कड़की खड़स के आवाज़ ख़राब हो जाएगा, कहीं बिजली गिरा और उसके आसपास आपका टेलीफोन लाइन था, भले डायरेक्ट नहीं गिरा लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते आपका वो पूरा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस बहुत होता है, और आजकल इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इस्तेमाल की जाती है। ये जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम उतनी इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन आजकल हर कोई हर चीज़ इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत इंटरफेरेंस होने लगा। तो इसीलिए हम लोग को कुछ बदलना था, मतलब कॉपर से काम नहीं चलता, क्योंकि इसको काफ़ी पुश कर चुके हैं, मतलब डायलअप पे जो 56 kbps था उससे लेके ADSL तक तो आ गए, तो और ADSL में मतलब अराउंड 50-60 mbps तक जाया जा सकता था, लेकिन फिर भी बहुत इंटरफेरेंस, बहुत मतलब स्टेबल भरोसेमंद नहीं था, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल गया। तो हुआ क्या, जब मैंने आपको बता रहा हूँ कि 1980 से ही हम लोग फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों इतना टाइम क्यों लगा। 1980 तो हो गया भाई, कई साल 1980 हो गया, 1990 हो गया, 2000 हो गया, 2010 भी हो गया, 2020 आ रहा है, तो अब जाके मतलब लगभग 30-40 साल का गैप क्यों लगा फाइबर आने में। तो आप यहाँ पे समझिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ। पहले टाइम में जब फाइबर बिछाया गया था तो उसमें एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग सिग्नल लेते थे, सिग्नल को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करते थे, फिर उसे लेजर पल्स बना के फायर करते थे। प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार भी आप ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा फाइबर लिंक है आपका, वो रिसीव किया सिग्नल, ठीक है, आपने मतलब आपने घर से फाइबर तक भेज दिया, वो सिग्नल रिसीव किया, वो क्या करता था, उस सिग्नल को एक रिसीवर में रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट किया जाता था, कन्वर्ट करके दोबारा एक मतलब पावरफुल लेजर का इस्तेमाल करके सिग्नल को बूस्ट कर देता था। तो काम तो करता था, तभी तो हम लोग का इंटरनेट इतना आगे आया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जितनी बार भी ये कर रहा है ये लेटेंसी ऐड करता है। और आप ये समझिए, लाइट को हम लोग कहते हैं कि लाइट सबसे फास्टेस्ट चीज़ है, ये बात एकदम सही है, वो उसका स्पीड सी माना जाता है, इक्वल टू MC स्क्वायर में जो C होता है, यानी 300,000 km/s, लेकिन ये स्पीड वैक्यूम में है, ऑप्टिकल फाइबर में इससे काफ़ी स्लो चलता है ना, काफ़ी स्लो, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन स्लो है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 300,000 है। तो समझ लीजिए मैथमेटिकली आपका डिस्टेंस वहीं खत्म हो जाता है, ये थोड़ा सा स्लो हो गया। दूसरा, जितनी बार भी ये हो रहा है कि आप उसको सिग्नल कमज़ोर हो गया, यहाँ पे बूस्टर डाले, बूस्टर उसको मतलब ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में बदला, इलेक्ट्रिकल से दोबारा ऑप्टिकल में बदला, यहाँ लेटेंसी ऐड होती है, यही पूरा फजीयत हो जाता था कि ये लेटेंसी एक दो मिली सेकंड
डाल दिया। अब आपको लगे भाई एक दो मिली सेकेंड बहुत नहीं होता, आप ये समझिए कितनी बार करना पड़ रहा होगा। तो इसके चलते हम लोग आगे नहीं पुश कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर, नो लैग बूस्टिंग बेसिकली। तो होता क्या था कि आपका सिग्नल आ रहा था ऑप्टिकल सिग्नल, उसे एक प्री मतलब समझिए एक एक्साइटेड लेज़र का बीम का माध्यम से मिक्स किया जाता था। होता यह था कि लेज़र जो है बूस्ट कर देता था और वो डायरेक्ट बूस्टिंग करता, मतलब जो सिग्नल को जैसे अगर आप बिट में देखेंगे तो जो चीज़ ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है, तो लेज़र जो है ऑन के टाइम में और ऑन कर देता, ऑफ के टाइम में कुछ नहीं करता था। तो इससे डायरेक्ट सिग्नल पे बूस्टिंग कर लिया, मतलब लाइट स्पीड से आया और लाइट स्पीड से निकल गया, कन्वर्शन नहीं हुआ। ये डिवाइस सिंपल हो गया, चीप हो गया, और इससे अब लाइट स्पीड पे आपका डेटा बहुत दूर तक जाने लगा। इससे हमारा अंडरसी केबल का भी जो मतलब रेंज था, मतलब अंडरसी केबल शुरू में मतलब अमेरिका से यूरोप के बीच में रहता था, बाद में अमेरिका से मतलब इंडिया तक लाना या इंडिया से अफ्रीका तक बिछाना, ये सब अब पॉसिबल हो गया कि जब ये अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। तो ये डेवलप हुआ, सस्ता हुआ, तब जाके ये आइडिया आया लोगों को कि नहीं अब हम लोग फाइबर घर से आपके भेजें तो वहाँ से ही ये काम किया जा सकता है। फिर आ गया ठीक है चीप, मतलब चीप बोल रहा हूँ मतलब सस्ता सिग्नल, सिंगल मोड फाइबर। यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, फाइबर को हमेशा दो तरीके से नापा जाता है, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड। मल्टी मोड आपका नॉर्मल जैसे ऑडियो केबल आता है ना आपका जो ऑप्टिकल वाला है, या आपके सर्वर रैक्स में देखते होंगे जो मोटा मोटा तार रहता है पीला कलर का, जनरली मल्टी ये मल्टी रहता है। तो मल्टी का मतलब होता है मोटा, बस उससे ज़्यादा दिमाग आपका लगे, मल्टी का मतलब मोटा, या तो 62.5 माइक्रोमीटर का हो या 50 माइक्रोमीटर का, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। ये बस ये थोड़ा उल्टा लगता है, जैसे आप लोग आदत है कि कॉपर का क्या मतलब होता है मोटा बल्ले बल्ले, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, जितना छोटा तार रहेगा उतना प्रिसाइज रहेगा, उतना ज़्यादा दूर तक सिग्नल ले जा पाएगा। तो पहले तो हम लोग 60 माइक्रोमीटर बनाए, उसके बाद 50 तक उतारा गया, फिर उसके बाद बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद 9 माइक्रोमीटर तक उतार दिए। ये बहुत छोटा होता है, मतलब ये आँख से देखने में आपको दिक्कत होगा, मतलब आपको सीधे सीधे देखने में दिक्कत होगा। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा तेज डेटा ले जा सकता है एक समय से। तो और ये सब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि आपका पाइप है, पाइप में आपने लाइट मारा पूरा लाइट उसमें घुस गया, लेकिन अगर पाइप मोटा था तो लाइट ऐसे 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 बाउंस होने लगा हर जगह पे, जो कि सिंगल मोड में उसको लाइट सीधा होगा तभी घुसेगा। तो अब जब सीधा घुस गया तो इधर उधर वो छितराता नहीं है, स्कैटर रेंज बहुत कम होता है, इसीलिए एकदम बहुत अच्छे से आगे चलता रहता है। तो सिंगल मोड जो है इसके चलते बहुत, मतलब जो तार हम लोग का अंडरसी बेयरली कुछ गीगाबाइट ले जा पाता था वो कई 100 टेराबाइट तक ले जाने लगा। तो इसी का इस्तेमाल करके आगे हमारी तकनीक जो अभी जियो फाइबर तार हर जगह बिछा रहा है वो है सिंगल मोड वाला। मतलब मल्टी मोड वाले से कुछ लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन मल्टी मोड का रेंज नहीं होता, ये 10 किलोमीटर में बोल जाएगा मल्टी मोड, और सिंगल मोड 100 किलोमीटर तक जा सकता है। और अगर अच्छा से आप बूस्ट लगा देते, जो मैंने आपको बताया कि बूस्टर आजकल मिल जाता है डायरेक्ट लगने का, उससे आप आराम से कई 1000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। फिर हुआ कि चीप फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन आ गया। तो आप ये समझिए फाइबर को जोड़ना ना यहीं पे बहुत फजीहत हो जाता है। फाइबर को आप ऐसे लेके नहीं ऐसे ऐसे करके नहीं कर सकते, सोल्डरिंग आयरन नहीं लगा सकते। तो करना क्या होता है, फाइबर को क्लीव करना होता है, यानी फाइबर जो है आपका, आपने ऐसे फाइबर लिया उसको एकदम परफेक्ट 90 डिग्री स्लाइस करें। तो आप देखते होंगे जो भी फाइबर आपके घर में लगाने का, आप देखें एक छोटा सा काला मशीन रहता है, मशीन है मतलब स्प्रिंग लोडेड ब्लेड रहता है, उसमें ऐसे रखते हैं छटाक से काट देते हैं। ये ज़रूरी है, अगर आपका फाइबर 90 डिग्री में नहीं कटा यानी कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे हुआ आपका कनेक्शन काम नहीं करेगा, ऐसे हुआ नहीं करेगा, ऐसे हुआ नहीं करेगा, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को स्प्लाइस करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया स्प्लाइस के बाद, अगर दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो इसको पिघला के जोड़ा जाता है। तो आप समझते हैं पिघलाना है तो ऐसा नहीं पिघलाना कि साइज बिगड़ जाए, अगर हम लोग 90 डिग्री पर मेहनत कर रहे हैं तो उसको पिघलाना भी बहुत फजीहत वाला बात होगा। वो पहले लैब में बनाया जाता था, मतलब लैब में आपको हाँ कितना लंबा फाइबर चाहिए, लैब में कोई बंदा बैठ के ये सब करता था तो बहुत महंगा होता था। तो लेकिन धीरे धीरे इस तरह की मशीन आने लगी। तो ये मशीन क्या करता है कि ये आराम से फाइबर को लेता है, आपको काट के देना, ये क्लीविंग नहीं करता, क्लीविंग के लिए एक तो अलग सा काला सा ब्लेड मशीन आता है, तो उससे आप क्लीव किए कि मतलब 90 डिग्री में काटे, ये रखा। अब ये करता क्या है ना कि दोनों तार को रखा, इसमें दो क्लैंप आपको दिखेगा, उसमें ऐसे ऐसे रखते हैं, वो क्लैंप जो है मूव करता है, और उसमें एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, क्योंकि ये आपको बताया 9 माइक्रोमीटर का बहुत छोटा है, ह्यूमन हेयर बहुत मोटा होता है इसके सामने। तो वो उसको लेता है और 3D स्पेस में, मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम 3D स्पेस में लाता है और इलेक्ट्रिकल आर्क से उसको पिघला के तो वहीं मतलब समझिए फ्यूज़ कर देता है, और ये फ्यूज़ काफ़ी अच्छा होता है, तो सिग्नल लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जब टेक्नोलॉजी इतना पोर्टेबल हो गया कि अब लोग इसको लेके फील्ड में जा सकते हैं, कहीं आपने रोड में डाला है कनेक्शन टूटा, आप उसको काटे छीले वाले ये कर सकते हैं, तब जाके लोगों ने नहीं अब फाइबर दूर दूर तक बिछाया जा सकता है। तो ये भी बहुत सस्ता हो गया, लेकिन अब मैं जब बोल रहा हूँ सस्ता हो गया तो ऐसा मत समझिए ये आप खरीद सकते हैं, ये आता है 1.5 लाख से 2 लाख तक का, शुरू में 5-6 लाख का आता था, या 1-2 पीस बनाए जाते थे, क्योंकि मतलब ना तो इतना डिमांड था ना ही मतलब ये डॉक्टर
चेसिंग इट्स टेल काइंड ऑफ सिचुएशन था कि मतलब इसका डिमांड बहुत होता था लेकिन मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसका दाम घटाने, लेकिन अब इसका दाम घटने लगा है तभी जियो फाइबर ये अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि ये 150,000 का तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब कितना 10,000 पीस चलिए दिल्ली मुंबई के लिए चाहिए तो उतने में काम हो रहा है। तो ये मशीन आ गया, आपका फाइबर सस्ता हो गया, फाइबर का बूस्टर पॉसिबल हो गया। इसके बाद एंड में आया ऑप्टिकल स्प्लिटर, ये आपको जियो के हर बॉक्स में दिखेगा। तो अगर आप जियो का फाइबर पर ध्यान से देंगे तो होता है एक काला तार है मोहल्ला से पूरा होकर जा रहा है, तो अब बात है कि वो तार को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। तो किया क्या जाता है कि उसमें इस तरह का स्प्लिटर लगाया जाता है, तार आएगा आपके काला बक्सा में, ठीक है, ये बात ज़रूर देखिए, बहुत लोग अपना यूट्यूब वीडियो में नहीं बता रहे हैं कि वो काला तार आएगा उस पर एक स्प्लिटर लगाएंगे। स्प्लिटर 2x का हो सकता है, यानी 1:2 निकाल देगा, या 1:4, या ऐसे ऐसे करके जनरली रहता है, तो 1:32 तक आता है जनरली, उतना सिर्फ किसी कॉलोनी बिल्डिंग में लगाएंगे, जनरली उससे ज़्यादा नहीं कुछ किया जाता। तो वो ऑप्टिकल आया, स्प्लाइस कर लिए, उससे एक को लेकर वापस भेज देते हैं, जो तार था उसमें वापस मतलब काटे, मतलब स्प्लाइसर लगा दिया, स्प्लाइसर से इनपुट आपको दे दिया, वो इनपुट आपके घर में आएगा, उसको एक जगह बॉक्स पर परमानेंट लगा दिया जाएगा, फिर आपको एक तो अलग ऑप्टिकल केबल दिया जाएगा जो आपके उस बॉक्स से आपके राउटर तक, ऑप्टिकल राउटर तक जाएगा। तो ये चारों चीज़ का सस्ता होना, टेक्नोलॉजी को डेवलप होना, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। इसीलिए 1980 में किसी के पास फाइबर नहीं आ गया, और 2010 में भी किसी के पास नहीं पाया, मतलब जापान बहुत पहले बहुत खर्चा किया, जापान और इटली ये दो कंट्री बहुत पहले से ऑप्टिकल पे कूद रही थी, तो अब जाके उनको बहुत फ़ायदा हो चुका है। अब उनके लिए फाइबर आपको बड़ी बात नहीं, उनके लिए अरे 2015 से ही उनके पास सबके पास फाइबर है। तो ये टाइम इसीलिए लगा कि ये मशीन सस्ता होना, ये स्प्लाइसर का सस्ता होना, ये सिंगल मोड केबल का दाम घटना, इस तरह का बहुत फजीहत हुआ तब जाके यहाँ तक पहुँचे। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि फाइबर फाइबर फाइबर, वो बहुत अलग बात है। फिर आता है कि ठीक है टोपोलॉजी क्या है, यानी कि ठीक है फाइबर तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या टेक्नोलॉजी हुआ कि अवेलेबल हुआ, फिर वो दे कैसे रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीफोन के केस में होता है कि आपका फ़ोन है वो जाता है, मतलब आपके घर से एक हाईवे निकला, मतलब एक रोड निकला, वो रोड से हाईवे में गया, हाईवे से बड़ा हाईवे में गया, उससे और बड़ा हाईवे में गया, यहाँ वैसा नहीं करते हैं, किया जा सकता है। मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि आप या तो सस्ता और सिंपल ऑप्शन लीजिए, या तो आप महंगा और हाई स्पीड ऑप्शन लीजिए। तो आपको एक होता है जिसे P2P कहते हैं, पीयर टू पीयर, यानी ऐसा कि ये जनरली कनेक्शन दिया जाता बैंक वालों को, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक चला रहे हैं तो आपका खूब सारे इंप्लॉय होंगे, 100-150 होंगे, या कहीं पता है 6-7,000 लोग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े बैंक ब्रांच में होते हैं, तो उतना लोग को अगर कनेक्शन देना तो आपको 10 चेन के बाद नहीं देंगे, तो वहां हब से यानी कि टेलीफोन एक्सचेंज से यानी कि मोबाइल टावर से या जो भी इनका एक्सचेंज है वहां से एक फाइबर डायरेक्ट दिया जाएगा। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऐसे दे देते हैं कि भैया ठीक है आपके पास खुद ज्यादा लोग हैं, लीजिए आपका एक फाइबर, लीजिए आपका एक फाइबर। तो ठीक है ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ किया ही जा रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो बात है कि आप और हमारे पास कैसे आएगा। तो ये टोपोलॉजी जो है पॉइंट टू पॉइंट, ये बहुत इफिशियंट है, स्टेबल है, रिलायबल है, लेकिन बहुत महंगा आता है, समझिए वो फाइबर, उसको हजार को फाइबर बिछाना पड़ रहा है। तो फिर एक दूसरा सिस्टम आता है रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें क्या किया जाएगा कि मतलब फाइबर को है, मतलब ये बस स्ट्रक्चर को ही समझ लीजिए, लेकिन एक कंप्लीट लूप बना देते हैं, ये आपको हर जगह भी दिखेगा, जहाँ जहाँ फाइबर बिछाया जा रहा है वहाँ आपको दिखेगा कि एक ऐसे लाके पोल से पूरा एक कंटिन्यूस ले जा रहे हैं, कहीं बीच में कट वट नहीं किया जा रहा है। तो उससे होता क्या है कि मैंने बताया फाइबर आया, फाइबर को एक काले बॉक्स में डालेंगे, काले बॉक्स में स्प्लिटर लगा देंगे और एक फाइबर को वापस जोड़ देंगे, जाओ मतलब आया स्प्लिट हो गया, लेकिन फिर एक ठो वापस रिटर्न गया, और ऐसे ऐसे करके डेजी चेन करेंगे, मतलब 1:2, 2:3, जैसे क्रिसमस में जो लाइट लगाते हैं या दीपावली में जो लाइट लगाते हैं लड़ी जैसा, वैसा करेंगे। तो मतलब या तो उसको स्ट्रेट रख सकते हैं एक मोबाइल टावर से, या तो उसको रिंग कर सकते हैं। रिंग में एक फ़ायदा होता है कि अगर दो जगह रख देते हैं, मान लीजिए दो मोबाइल टावर, एक जगह इधर पे एक जगह उधर पे, तार कहीं पे भी टूटेगा तो आपका कनेक्शन नहीं ड्रॉप होगा, क्योंकि बाकी बचा हुआ लोड इधर उधर से चल जाएगा। तो किया जा सकता है, काफ़ी लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे फर्जियत है। तो ये जियो आपको कई बार सुना आएगा कब से प्लान बना रहे कि हम लॉन्च करेंगे, अभी तक कर नहीं पाए। और कई बार अगर आप उनका रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में वो बार बार कह रहे हैं लास्ट माइल प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग आखिरी किलोमीटर तक नहीं ले जा पा रहे, वो इसी के चलते हो रहा है कि टोपोलॉजी कौन सा इस्तेमाल करें। हर टोपोलॉजी का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है, जैसे P2P सब लोग कहेगा नहीं P2P दे दो एकदम हमको एकदम हष्टपुष्ट, ठीक है मतलब पर हेड का दाम, मतलब जैसे अभी 4,500 मांग रहे हैं वो हो जाएगा 50,000। तो समझिए बैंकों के लिए है, बैंक के लिए किया जाता है, बड़े बड़े ऑफिस के लिए किया जाता है, लेकिन मतलब आम आदमी तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना। अब जैसे बस लाइन कर देते ठीक है 1:2, 2:4 ऐसे ऐसे करते करते खींच सकते हैं, तो उसमें भी लिमिट है कि ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल लिए तो भेज दिया 100 किलोमीटर तक, या 50,000 क्लाइंट नहीं लगा सकते, उसका भी लिमिट होता है। तो बैलेंस करना, प्लस उसमें नाजुक भी हो जाता है कि अगर कहीं एक जगह तार गया आपका पूरे उतने लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम लेके यहीं पे जियो लटक रहा था, प्लस और एक्स्ट्रा इशू भी आता है।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हुआ क्या है, इतना टाइम क्यों लग गया, BSNL भी फाइबर दे रहा है, एयरटेल भी फाइबर दे रहा है, एक्ट तो स्टार्टिंग से ही फाइबर दे रहा है, एक्ट बहुत स्मार्ट गैम्बल खेला था, तो हुआ होता है कि लीगल इशू बहुत होता है, ये आपको और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप चाहिए जैसे कोई कंपनी है कि आपको पोल डालना है तो आप नहीं छिप के डाल सकते कि यहाँ छिपा के एक पोल डाल दो, या आप ऐसा नहीं कर सकते बिजली का पोल पर आप मतलब अपना तार नीचे लटका के बिछा दीजिए, ये सब के लिए आपको बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है, ये बहुत टाइम खाता है, बहुत टाइम, और थोड़ा सा अंडर द टेबल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर लगाया जाता है, तो समझिए कि बहुत फजीहत हो जाता है। अब वो तो केबल का बात कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा चीज़ का भी होता है कि मतलब स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, आपको अंडर सी केबल से कनेक्ट होने का लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, और इस बार तो जियो मतलब थोड़ा आगे ही चलेगा कि अपना ही अंडर सी केबल बिछा रहे हैं, लेकिन इस बार फ्रांस के दूसरी कंपनी से बात करें ताकि और हाई बैंडविड्थ केबल डाल दो, मतलब पूरा इंडिया एक तरफ होगा और ये जियो अलग होगा और जियो के पास ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, तो उस टाइम पर ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि आप नेशनल रिसोर्स को टच कर रहे हैं, तो उनको वो अपना इंडिपेंडेंस मिल जाएगा कि ठीक है भैया मेरा रास्ता है, हम जैसे यूज़ करना करें, तो लीगल इशू बहुत होता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सबको फाइबर दे दे लेकिन लॉ लड़ने लग जाएगा। और इस मामले में सबसे बुरा केस जो सबसे बुरी तरीके से पिट गया है वो था ब्रिटेन, ब्रिटेन में 1990 के दरमियान फाइबर टू होम के बारे में सोचा गया बहुत पहले, और पॉलिटिशियंस और कंपनी काम कर रही थी, लेकिन एक पॉलिटिशियंस ने ब्रेक लगा दिया कि भैया ये अगर कंपनी कर लेती है तो इसका बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा, तो उसको तो रोक दी और फिसल गए। मतलब ब्रिटेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या होता है अगर पॉलिटिशियन थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं और उनको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वो उनके पास कब का फाइबर है, उनके पास जापान से पहले फाइबर आ जाता, इटली से पहले फाइबर आ जाता, लेकिन अभी तक फाइबर नहीं आया क्योंकि उस टाइम जो ब्रेक लगा दिया तो बाकी कंपनी ट्राई करने से भी डरने लगी कि भैया हम ट्राई क्यों करें, मान ली फिर से गवर्नमेंट बंद कर दिया, तो फिर होता कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कहने को तो ठीक है लेकिन आप समझिए टेलीफोन नेटवर्क है, जैसे BSNL तो BSNL के बारे में बात ही नहीं करना, वो हमेशा घाटा में चलता है, लेकिन जैसे एयरटेल का बात हुआ या रिलायंस का बात हुआ तो ये सब कंपनी प्रॉफिट चाहती है, तो प्रॉफिट के लिए जो जो इक्विपमेंट लिया जाता है, पुराना टेलीफोन का इक्विपमेंट ऐसा नहीं है कि फ्री है, वो भी कई लाख का आता है, वो भी बहुत महंगा होता है, तो उस पे जो अगर इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर नहीं हुआ तो नया इक्विपमेंट खरीदना उनके लिए बड़ा रिस्क की बात है, और प्लस ये सब जैसे ऑप्टिकल का है ये सब मास प्रोडक्शन नहीं है, भले कहने को ये कोई खास कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आपका स्मार्टफोन में से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मास प्रोड्यूस नहीं किया जाता, मतलब सबसे गया गुजरा मोबाइल फ़ोन जो ज़्यादा नहीं बिका वो होगा 4-5 मिलियन, इसके तो टोटल वर्ल्ड में 4-5 मिलियन बनाए जाते हैं, तो ये समझिए बहुत महंगा था पर पीस, तो इस पर रिस्क लेना बहुत डरावना होता है, और समझिए अगर आप उतना बड़ा लोन उठाते हैं जो कि हाई रिस्क लोन है तो बहुत बम बम उस पर इंटरेस्ट पड़ जाता है, तो ये एक बड़ा सा हिम्मत होना चाहिए, जैसे जियो 4G डालने के लिए उन्होंने 70,000 करोड़ का हुआ लगाना पड़ा, इसके लिए भी उनको काफ़ी हुआ लगाना पड़ रहा है, फिर ये सब तो ठीक है, ये तो पैसा मान लिया आपके पास बैंक बम बम है आप संभाल सकते हो, लटक जाओगे आप इसमें, स्किल्ड वर्कर चाहिए यहाँ पे, समझिए जैसे आपको मतलब केबल टीवी का तार आप देखते होंगे जो पहले बिछाया जाता था, कैसे उसको जोड़ा जाता था दूसरे से, ऐसे छीलो काटो आप भी कर सकते हो, मैंने भी खुद भी किया हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, टेलीफोन का तार आप खुद कर, लेकिन आप मतलब छुइएगा मत क्योंकि 70 वोल्ट तक रहता है तो झटका लग सकता है, तो ये सब किया जा सकता है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का जरूरत है, लेकिन वो जो स्प्लाइसिंग होता है कि ऑप्टिकल फाइबर को साफ करो, ऑप्टिकल फाइबर को एक मशीन में रखो, वो बहुत नाजुक होता है ऑप्टिकल फाइबर, मतलब थोड़ा सा कस के मोड़ दिया वो टूट जाएगा, इसीलिए उसको जहाँ पे भी रखा जाता है कॉइल करके रखा जाता है कि उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, वो टूटा तो काम खत्म, तो इस कारण से समझिए कि आपको जो लेबर होंगे, जैसे मान लीजिए आपको केबल से अगर आप मतलब केबल का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट दे रहे हो तो आपको लगेगा मान लीजिए 500 रुपये प्रति घंटा जो लेबर है उसका चार्ज, ये लेबर जो लोग मतलब ऑप्टिकल फाइबर को संभाल सकते हैं वो आपसे 5,000 रुपये घंटा लेंगे, और उनके पास उतना स्किल होता है तभी तो वो मशीन को इस्तेमाल कर पाते हैं, तभी वो क्लीवर का इस्तेमाल कर पाते हैं, और उनको पता रहेगा कि अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या गड़बड़ है, क्योंकि समझिए यहाँ इंटरफेरेंस के चलते कुछ खराबी नहीं होता है, यहाँ होता है कि अरे डस्ट था, मतलब किसी पोर्ट में डस्ट है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि डस्ट है या तो कहीं स्प्लाइसिंग गलत हुआ है, तो ये सब ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाएगा, तो इसलिए जो वर्कर है तो टेक्नोलॉजी तो सस्ता हो गया लेकिन वर्कर महंगे हो गए, तो ये लटका दिया थोड़ा कि मतलब इसीलिए इतना टाइम लग रहा है कि कोई भी कंपनी जिसको करना है ये सब चली खरीद लिया, मान लीजिए कोई अच्छे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से अच्छा खासा डीलिंग कर लिया, अच्छे से शिपमेंट का व्यवस्था कर लिया या खुद ही बना लिया, जैसे जियो के केस में जियो का जो फाइबर है वो चेन्नई में बनाया जा रहा है और जो फाइबर मेरे होम टाउन में बिछाया जा रहा है उसका मतलब फरवरी 2019 में बनाया गया तो ताज़ा माल है, तो वो सब चलिए मान लीजिए आपने उसका व्यवस्था कर लिया, लेकिन आप स्किल फोर्स कैसे लाएंगे, कितने हज़ार लोगों को आपको नौकरी रखना पड़ेगा और वो मशीन रखना पड़ेगा, मतलब इतने स्मार्ट लोगों को लाना जिनको पता हो कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर को स्प्लाइस करते हैं और ढंग से पता हो, ऐसा नहीं कि बस हाँ हाँ ऐसे कर लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गया ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि दो तरह के लोग आपको मिल जाएंगे देख के कि एक है जो जो उनको काम है वो कर देंगे लेकिन दाएं में कुछ भी हुआ नहीं संभाल पाएंगे, तो वैसा लगने से सर्विस बहुत खराब आएगा, तो ये सब होने के कारण से फर्क पड़ता है कि हम लोग को तुरंत बहुत जल्दी ही फाइबर टू होम नहीं मिला।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जियो फाइबर और फाइबर टू होम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक आप दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा आपको कितना डिसकनेक्टेड था, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ही जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।